वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी वेब इंजीनियर्स एसईओ पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि बेसिकली टास्क लिस्ट कैसे असाइन करना है एसईओ का। तो ये हमारे सामने एक टास्क लिस्ट है। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव राइट अप करना है और फोटोशॉप पोस्ट डिजाइन करना है। कैनवा पे भी डिजाइन कर सकते हो, बाकी काफी सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट है उन पे भी आप डिजाइन कर सकते हो। फिर उसमें सेकंड थर्ड पार्ट हो गया इमेज शेयरिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग, क्लासिफाइड, हाई पीआर बुकमार्किंग, डायरेक्टरी सबमिशन, बिजनेस लिस्टिंग, वीकली रैंकिंग, ब्लॉग सबमिशन, वाइल्ड कार्ड स्कैनिंग, इंडिया मार्ट ऑप्टिमाइजेशन, सेल्स फोर्स इंक्वायरी एंट्री, ट्रेड इंडिया ऑप्टिमाइजेशन, कोरा और जी प्लस गूगल माई बिजनेस रिव्यू। दोस्तों गूगल माई बिजनेस पे इसमें क्या है, डेली बेसिस पे आप ऑफर पोस्ट कर सकते हो और यहाँ पे नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हो। जो भी आपके बिजनेस की वीडियोस और नॉर्मल पोस्ट होंगे वो आप गूगल माई बिजनेस पे पोस्ट कर सकते हो। अब गूगल माई बिजनेस पे क्या होता है, गूगल माई बिजनेस पे ये पहला बात फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो, इमेज यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि जब आप इस पर कोई भी इमेज पोस्ट करते हो तो वो फ्री इमेजेस में, जैसे इमेजेस गूगल के इमेजेस में जाओगे आप तो वहाँ पे आपकी सारी फोटोज फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई मिलेंगी। तो जितनी ज़्यादा एक्टिविटी यानी जितने ज़्यादा पोस्ट आप गूगल माई बिजनेस पे करोगे उतने ही चांसेस होते हैं नंबर ऑफ कन्वर्जन के, मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रांडिंग हो रही है फ्री में। दूसरी बात यहाँ पे बेसिकली क्या है, इमेज के इम्प्रेशंस आते हैं। जितनी ज़्यादा आप इमेजेस डालने की कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट एज पर्टिकुलर बैनर को, तो यहाँ पे कॉल के ऑप्शंस वहाँ पे आपको विजिटर्स बता देगा कि आपके विजिटर्स कितने आ रहे हैं। तो दोस्तों आप इसका मैक्सिमम यूज कर सकते हो। मैंने अब एक पुरानी वीडियो में इसको बताया भी है कि ये कैसे बनते हैं, बाकी हम आने वाली वीडियो में ये बताएंगे कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों गूगल माई बिजनेस पहली बात तो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है और इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको जिस ऑफिस लोकेशन पे आप हो उधर की आपको वीडियो पोस्ट करनी पड़ेगी 30 सेकंड्स की, तभी ये एक्टिवेट होगा। ये टास्क लिस्ट रेगुलरली बेसिस पे डेली बेसिस पे आपको करना है। तो ये एसईओ का पार्ट 3 था। सो थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।